हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में प्रिंटर का ये एरर आ रहा है, प्रिंटर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिस्प्ले, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन जो है शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेज, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है प्रिंट स्पॉलर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर इस तरीके से टाइप करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहां पर यह टेक्स्ट जो है आपको पेस्ट कर देना है। यहां पर आपको जो है ये टेक्स्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली इसको कॉपी कर यहां पर पेस्ट कीजिए। उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये विंडोज़ का फोल्डर है, यहां पर आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, यहां पर परमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरा पीसी नेम जो है यहां पर शो हो रहा है। आपके पास जो आपका पीसी नेम है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपके पास ये फुल कंट्रोल जो है यहाँ पर ये चेक होना चाहिए बॉक्स में। उसके बाद आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।